वेदराज बथवेया की तरफ से बुर्ज खलीफा घूमने की जानकारी और पर्यटन स्थल। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो कि दुबई शहर में स्थित है। बुर्ज खलीफा 163 मंजिला आकाश को छूती हुई इमारत है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी अधिक है कि आप इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ और इसका इंटीरियर पार्ट में 24 कैरेट के गोल्ड का उपयोग किया गया है। दुबई के सबसे प्रिय आकर्षण में बुर्ज खलीफा का नाम सबसे पहले आता है। जब पर्यटक दुबई की इस इमारत को नीचे से देखते हैं तो यह एक विशाल आकार की दिखाई देती और इसकी चोटी तक नजर पहुंचाते हुए आप गिर भी सकते हैं। जब आप बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की बुर्ज खलीफा के उत्खनन का काम 6 जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और कार्य के पूरा होने के बाद बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित कला का दर्जा प्राप्त किया। खुदाई कार्य शुरू होने से लेकर निर्माण काल में 1325 दिन का समय लगा। बुर्ज खलीफा के निर्माण कार्य में 380 अधिक इंजीनियर और ऑनसाइट तकनीशियन ने मिलकर काम किया। बुर्ज खलीफा की बाहरी क्लैडिंग मई 2007 में शुरू हुई और सितंबर 2009 पूरी हुई। बुर्ज खलीफा वास्तुकला में ट्रिपल लोब फुटप्रिंट हाइमेनोकेलिस फूल का एक सुंदर चित्रण है। दुनिया का सबसे ऊंचा यह टॉवर एक केंद्रीय कोर के आसपास व्यवस्थित 3 तत्वों से निर्मित है। टॉवर की वाई आकार की संरचना है। बुर्ज खलीफा इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। बुर्ज खलीफा से संबंधित स्टैक प्रभाव या चिमनी प्रभाव एक ऐसी घटना है जो बुर्ज खलीफा की संरचना को प्रभावित करती है। अंधेर में इस बिल्डिंग पर जाते हैं तो पूरा दुबई शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। यदि आप भी बुर्ज खलीफा और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में जमीन के नीचे एक और जमीन के ऊपर 163 बिल्डिंग बनी हुई है। बुर्ज खलीफा में पीक कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रतिदिन 12,000 कर्मचारी काम करते थे। बुर्ज खलीफा के निर्माण जितना रीबार लगाया गया था, यदि उसे एंड टू एंड रख दिया जाए तो दुनिया की सड़कों का एक चौथाई भाग कवर करता है। दुबई फाउंटेन 24 एकड़ के क्षेत्र में बुर्ज झील के बीच में बना हुआ है। साथ ही ये शानदार बुर्ज खलीफा के ओपोजिट है, जिसको देखने का मजा और बढ़ जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप बड़े बड़े फव्वारों से निकलते पानी और उसमें दिखती रंग बिरंगी लाइट से अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो वहां के मॉल को भी एक बार जरूर देखें। मॉल का ऐसा शानदार और खूबसूरत नजारा आपने शायद ही किसी और मॉल में देखा होगा। दुबई मॉल शहर के कई अहम मॉल में से एक है। आप यहां 300 से अधिक मछलियों की प्रजातियों के अलावा कई आकर्षित चीजों को भी। बुर्ज खलीफा को अंदर से घूमने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होती है। बुर्ज खलीफा घूमने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें टिकट की कीमत की तो यह आपके घूमने के समय और कितने मंजिल तक आप घूमना चाहते हैं उस पर निर्धारित किया जाता है, जो कि लगभग 1900 रुपए से 7500 रुपए के बीच होता है। बुर्ज खलीफा के प्रमुख आकर्षण में शामिल यहां की डेजर्ट सफारी पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाती है। खासतौर पर यह अपने बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाती है। अपनी स्थापत्य कलाकृतियों, सौंदर्यपूर्ण परिवेश और अति शानदार समुद्र तटों के लिए छुट्टी मनाने के लिए जाना जाता है। दुबई शहर शानदार डेजर्ट सफारी की पेशकश करता है। यूएई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इसका बड़ा कारण शरिया कानून है, जिसमें दिवालिया होने या कर्ज न चुका पाने वाले को कड़ी सजा दी जाती है। इससे बचने के लिए नॉन रेजिडेंट लोग महंगी कारों को कहीं भी खड़ी कर देश छोड़कर भाग जाते हैं। दुबई में 2009 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद महंगी कारों को छोड़ने का ट्रेंड देखा गया है। छोड़ी गई ज्यादातर कारें फाइनेंस होती हैं। जिनके चेक बाउंस होते हैं वे इन्हें लावारिस छोड़कर चले जाते हैं। कई कारें ऐसी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुए। दुबई पुलिस के मुताबिक इनमें से कई कारें क्रिमिनल भी यूज कर चुके हैं, पकड़ में न आ सके इसलिए वह पार्किंग या सड़क किनारे कारें छोड़ जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट की पार्किंग में कोई भी अपनी कार 15 दिन के लिए पार्क कर सकता है। इसके बाद कार पुलिस के कब्जे में चली जाती है और वह कार मालिक पर बड़ा जुर्माना लगाती है। इससे बचने के लिए भी कारें छोड़ी जा रही हैं। पूरे यूएई में नाबालिग ड्राइवर्स की संख्या बहुत है। उनसे हादसे होते हैं तो सजा से बचने के लिए वे इन कारों को किसी पार्किंग या सड़क किनारे छोड़ चले जाते हैं। दुबई पुलिस करती है सेल। दुनिया के कुछ बेहतरीन शहरों का नाम आने पर दुबई का जिक्र होना बेहद आम है। वजह है वहां की आलीशान इमारतें, बड़े बड़े मॉल और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों पर दौड़ती चमचमाती कारें।
यह वजह है कि कार के शौकीनों को ये शहर बेहद पसंद आता है। अगर आपको भी लग्जरी कारों के प्रति लगाव है तो दुबई आपकी ही जगह है। यहाँ आपको मर्सिडीज AMG 63, ब्रेबस 700 विट्सर और यहाँ तक कि क्रूज SUV जैसी कारें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई में सिर्फ रईस ही नहीं बल्कि वहाँ की पुलिस भी शानदार कारों का इस्तेमाल करती है। दुबई पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के लिए ल्योंक हाइपरस्पोर्ट जैसे मल्टी मिलियन डॉलर हाइपरकार का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो दुबई की पुलिस के बेड़े में लग्जरी और SUV कारों को ढेरों कलेक्शन है। आज हम आपके लिए ऐसी 5 लग्जरी कारों को लेकर आए हैं जिनका इस्तेमाल पुलिस द्वारा UAE में होता है। लाइकान हाइपरस्पोर्ट सबसे पहला नाम है लाइकान हाइपरस्पोर्ट कार का। मिडिल ईस्ट में बनी यह सुपरकार लाइकान हाइपरस्पोर्ट W मोटर्स का पहला मॉडल है। 2012 में लॉन्चिंग के वक्त इस कार की कीमत $3.4 मिलियन थी। इसमें टाइटेनियम के ब्लेड और हीरे एम्बेडेड LED हेडलैम्प जैसी सुविधाएं दिया गया है। पावर और इंजन की बात करें तो इसमें 3.7 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 787 PS का अधिकतम पावर आउटपुट और 960 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करती है। दुबई में डॉल्फिनारियम स्थानीय लोगों और दूर दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण के रूप में जाना जाता है। 45 मिनट के समय में आप यहां घूम सकते हैं और इस पर्यटन स्थल का लुत्फ उठा सकते हैं। तैरने का मजा भी पर्यटक ले सकते हैं। रास अल खोर वन्यजीव अभयारण्य दुबई का एक शानदार पर्यटन डेस्टिनेशन है जो कि लगभग 500 से अधिक राजहंसों, पक्षियों और मछलियों की कई प्रजातियों को अपने यहां रखता है। रास अल खोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आर्द्रभूमि आरक्षित क्षेत्र है जो कि पर्यावरणविदों, फोटोग्राफरों, पर्यटकों और वनस्पति विज्ञानियों के लिए बिल्कुल आदर्श है। दुबई में बना द मॉल ऑफ अमीरात को बनाने में 174 मिलियन यूरो का खर्च आया था। इस मॉल को 2003 में लॉन्च किया गया था। मॉल में 630 रिटेल आउटलेट और 80 लग्जरी स्टोर हैं। मॉल में 100 रेस्टोरेंट भी है। यहां आने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी मैजिक प्लेनेट पर हैं। मॉल के अंदर ही एक इंडो थीम पार्क भी है। कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे लॉकडाउन के कारण यहां पर लोगों का प्रवेश निषेध था। अब ये सख्त सुरक्षा उपायों के तहत इस सप्ताह फिर से खोला गया है। अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस COVID-19 की चपेट में आकर 238,663 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को दस्ताने के साथ मास्क और अपने बैग लेकर इस मॉल में घुसने की इजाजत है। ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ पूरी दुनिया के सबसे बड़े खरीदारी स्थानों में से एक है। हालांकि मॉल ने दिशा निर्देशों की एक सूची की घोषणा की है जिसे आगंतुकों को पालन करना है, जैसे कि मास्क पहनना और 3 घंटे से अधिक समय तक मॉल के अंदर नहीं रहना है। इसके अलावा 3 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे और 60 से अधिक उम्र वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह मॉल 23 मार्च को बंद कर दिया गया था। यहां पर 26 मार्च से रात भर कर्फ्यू के साथ कई हिस्सों में सख्ती लगाई गई है। ग्लोबल विलेज को दुबई में छुट्टी मनाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। UAE में यह सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा है। ग्लोबल विलेज पहला सांस्कृतिक, मनोरंजन, परिवार और खरीदारी के लिए जाना जाता है। प्रतिवर्ष 17,200 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले दुबई के इस पर्यटन स्थल पर लगभग 5 मिलियन से अधिक पर्यटन घूमने आते हैं। यह मानव निर्मित द्वीप बेजोड़ इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। गहरे समुद्र और समुद्री जीवों के बीच बना अटलांटिस द पाम आलीशान नजारा पेश करता है। इस शानदार होटल में हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। स्पा क्लब, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, मीटिंग रूम, पार्क और डॉल्फिन शिक्षा केंद्र इस होटल में मौजूद हैं। भारत से दुबई के बुर्ज खलीफा घूमने जाने के लिए आप भारत से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ले सकते हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस महानगर का एकमात्र हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा UAE का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दुबई हवाई अड्डे से बुर्ज खलीफा के लिए आप टैक्सी या कोई भी स्थानीय परिवहन की मदद ले सकते हैं। बुर्ज खलीफा और इसके पर्यटन स्थल घूमने के बाद यदि अब आप यहां रुकना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि दुबई में लो बजट से लेकर लग्जरी होटल आपको मिल जाएंगी। आप अपनी सुविधानुसार होटल ले सकते हैं। कुछ होटल के नाम हम आपको नीचे देने जा रहे हैं। प्रीमियर इन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होटल, दुबई इंटरनेशनल होटल अटलांटिस द पाम, ले मेरिडियन दुबई होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर 5 पाम जुमराह, दुबई मिलेनियम एयरपोर्ट होटल दुबई। दुबई एक आकर्षित टूरिस्ट प्लेस है और अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करता है। आप जब भी बुर्ज खलीफा की यात्रा पर जाए तो दुबई का स्थानीय भोजन चखना न भूले।
आइए हम आपको दुबई के स्वादिष्ट व्यंजनों के नाम बता देते हैं, जैसे मंसूही ईरानी संगक, चेलो कबाब, अल हेरेस, अल माचोबोस, तब्बूले, कूस, महिशी, शरीन, पोलो, बाबा गानूस, फातह आदि हैं। इस आर्टिकल में आपने बुर्ज खलीफा और दुबई के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को जाना है। आपको हमारा ये आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।